अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीनिंग ऑफ प्रोडक्टिव स्ट्रेन के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और इसके साथ साथ हम ये देख चुके हैं कि जब भी आपने इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट करना होता है या आइसोलेट करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप उस प्रोडक्टिव स्ट्रेन आप देखते हैं कि प्रोडक्टिव स्ट्रेन कौन सा है, आप उसकी स्क्रीनिंग करते हैं और फिर उसके बाद आप कुछ स्ट्रेन इंप्रूवमेंट करके उनमें कुछ चेंजिंग ला के आप उस प्रोडक्ट को मज़ीद यूज़फुल बना सकते हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो स्ट्रेन इंप्रूवमेंट के आप बहुत से टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स पढ़ चुके हैं, जिस आप कुछ नई टेक्निक्स आप देखने जा रहे हैं। ये टेक्निक्स भी मैनिपुलेशन ऑफ इन्वॉल्विंग फॉरन DNA भी में ही हैं इंक्लूड, और इसमें जो सबसे पहली टेक्निक आप देखेंगे वो मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग है। मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग बेसिकली इंजीनियरिंग बायोसिंथेटिक पाथवेज की इंजीनियरिंग है ताकि आप लो कॉस्ट प्रोडक्शन कर सकें अपने यूजफुल प्रोडक्ट की। आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग इज़ बेसिकली बायोसिंथेटिक पाथवे बायोसिंथेटिक पाथवेज इंजीनियरिंग फॉर लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट। फर्दर मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग को यूज़ किया जाता है टू ओवरकम द सेलुलर रेगुलेशन, ताकि आप क्या करें, आप नए प्रोडक्ट बना सकें या फिर आप अपना डिज़ायर प्रोडक्ट बना सकें। मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में बेसिकली आप क्या करेंगे, कोई ना कोई जीन्स है उनको उसको उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बेस पे उनको इंजीनियरिंग करेंगे और अपना यूज़फुल प्रोडक्ट ले लेंगे। अब पाथवेज बेसिकली आप मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में उनको चेंज करते हैं। पाथवेज एंड मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग फॉर बायोकेमिकल प्रोडक्शन ये मेजर रिसर्च एरिया है और इसे यूज़ किया जाता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ थेरापेटिक प्रोटीन्स के लिए। प्रोटीन जब आप अगर फाइनल प्रोडक्ट हो एंड मशीन इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सेल टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स फ्रॉम जीन। अब मेटाबॉलिक और पाथवे इंजीनियरिंग में आप क्या करते हैं कि आप बेसिकली इन जीन्स को लेते हैं जो कि हेटरोलोगसली एक्सप्रेस्ड होती हैं और सिंथेसाइज करते हैं एंजाइम को टू कंप्लीट अ पाथवे। आप इन जीन्स में जाके कुछ चेंजिंग करते हैं, इससे क्या होता है कि आपका ओवरऑल मेटाबॉलिक पाथवे चेंज हो जाता है और इससे आपकी जाहिर है कि अगर आप जीन्स को चेंज कर रहे हैं ओवरऑल मेटाबॉलिक पाथवे चेंज हो रहा है, एंजाइम में भी कोई ना कोई चेंजिंग आ रही है। तो अगर ये पॉजिटिव चेंजिंग आ रही हो एंजाइम में कि आपके पहले लो यील्ड दे रहा था वो जो भी वो जीन, आप उसमें कुछ चेंजिंग करते हैं उससे उसका मेटाबॉलिक पाथवे चेंज करते हैं और हाई यील्ड देना शुरू कर देता है, तो आप उसे कहते हैं कि ये आपने कोई अच्छा वे आउट बनाया है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग की टेक्निक का। अब डिफरेंट बायोमालिक्यूल्स हैं जो थेरापेटिक वैल्यू के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो मेटाबॉलिक पाथवे के ज़रिए बनते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे में बाज़ दफ़ा अगर आपने जीन्स को आइसोलेट करना है, कंपाउंड जीन्स को आइसोलेट करना है या कंपाउंड्स को आइसोलेट करना है फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, तो ये बड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो यही सबसे बड़ा मुश्किल टूल है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में। और मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में बेसिकली आप अब अमाइनो एसिड की भी मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग की जाती है। आपको पता है कि अमाइनो एसिड के अगर अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन इसकी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ओवर 4 लाख टन्स होती है और ये फूड एडिटिव्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो जो TCA आपका साइकिल है, ग्लूटामेट प्रोडक्शन मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के ज़रिए उसमें चेंजिंग की गई और ग्लूटामेट प्रोडक्शन की कराई गई, और ग्लूटामेट प्रोडक्शन वाइडली यूज़ हो रहा है फ्लेवर एनहेंसर के तौर पर डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा सिट्रिक एसिड, एंटीबायोटिक, इंजाइम की मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग करा के बड़ा फ़ायदा उठाया गया। तो मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में बेसिकली यही है कि आपने आपके पास कोई ऐसा स्ट्रेन है जो आपको पता है किसी चीज़ की लो यील्ड दे रहा है, आप उसके में जेनेटिक उसकी जीन्स में कुछ चेंजिंग कराएंगे। वो जीन्स किससे रिलेट कर रही होंगी, बेसिकली पाथवे से रिलेट कर रही होंगी कि अगर वो कोई जीन स्पेसिफिक एंजाइम बना रही है मेटाबॉलिक पाथवे में, उसमें चेंजिंग कराएंगे। अब आपने जीन में चेंजिंग कराई है तो इसका मतलब है कि उस जो उसकी एंजाइम फॉर्मेशन कैपेबिलिटी उसमें भी चेंजिंग आ गई, इसका मतलब है कि आपने ओवरऑल जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक पाथवे उसको चेंज कर दिया। तो चेंज करके क्या हो रहा है कि आप अल्टीमेटली इंजीनियरिंग इकोलाई से हाई यील्ड ले रहे हैं। तो अब नेटिव इकोलाई को जब आपने इंजीनियरिंग इकोलाई किया है तो मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन उसमें कौन कौन सी आप करा सकते हैं या कराई गई हैं, जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट की कराई गई है, सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवेज की कराई गई है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड की कराई गई है, ब्रांच पाथवे चेंज कराए गए, डिग्रेडेशन पाथवे, ट्रांसपोर्ट पाथवे और PTACK पाथवे। तो इस तरह से वाइड रेंज ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जिनको मेटाबॉलिक जिनकी इंजीनियरिंग करा के आप लो यील्ड से हाई यील्ड पे लेके जा सकते हैं और अपने डिज़ायर प्रोडक्ट को, और आप उसके लो कॉस्ट प्रोडक्शन करा सकते हैं। तो एक ये भी टेक्निक है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग की जो स्ट्रेन इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल होती है।
ये बड़ी ब्रीफ सी टेक्निक है. मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में बेसिकली आप इसे कह सकते हैं इट इज़ द साइंस विच इनेबल द रेशनल डिजाइनिंग और रीडिजाइनिंग ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ द जीन. तो आप ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिक पाथवे जो है उसको रीडिजाइन कर रहे हैं, किस तरह से आप मैनिपुलेशन बाय इन्वॉल्विंग फॉरेन डीएनए जीन टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गुड. आप अपने डिजायर प्रोडक्ट की मैक्सिमम प्रोडक्शन कराने के लिए ये काम कर रहे हैं, या आप लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ योर डिजायर प्रोडक्ट कराने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं. अब मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में आप क्या करते हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग पाथवेज होंगे उनको मॉडिफाई करेंगे, या फिर आप इंटायरली नया बना लेंगे बाय मैनिपुलेटिंग द फॉरेन डीएनए एज टू इम्प्रूव द यील्ड ऑफ माइक्रोबियल प्रोडक्ट, एलिमिनेट और रिड्यूस अनडिजायरेबल साइड प्रोडक्ट और शिफ्ट द प्रोडक्शन ऑफ एन इंटायरली न्यू प्रोडक्ट. तो बेसिकली बार बार फोकस इस बात पे है कि मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग का फोकस दो चीज़ों पे है, या तो वो आपकी मैनिपुलेशन करके आपका डिजायर प्रोडक्ट बनाए, इसका मतलब डिजायर प्रोडक्ट का स्टेटमेंट से मतलब ये कि अनडिजायर प्रोडक्ट टॉक्सिन सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बनेगा, और दूसरा ये कि कोई नया पाथवे बना दे जिससे आप लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ योर बायोटेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कर सकें. तो ये बेसिकली ब्रीफ से समरी है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड. आपने इसे इतना ही प्रिपेयर करना है. अब चलते हैं अगली टेक्निक की तरफ जो इस्तेमाल होती है फॉर द स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट. दिस इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक. पहले आपने मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग पढ़ा जिसमें आप मेटाबॉलिक पाथवेज को मॉडिफाई कर रहे थे, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं. तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का अगर आप दूसरा नाम देखें तो इट इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आल्सो. बेसिकली इसमें होता क्या है कि आप रिकम्बिनेंट डीएनए रेफर टू द क्रिएशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट दैट आर नॉट फाउंड टुगेदर इन नेचर. तो इस तरह से आप रिकम्बिनेशन करते हैं. द आइसोलेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ जीन अलो फॉर मोर प्रिसाइज जेनेटिक एनालिसिस एज वेल एज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन एग्रीकल्चर एंड लॉन्ड्री. तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बहुत फ़ायदा है कि आप इसे रिकम्बिनेंट का जो फिनोमेना है वो फॉलो करके आप ऐसे कम्बिनेशन ऑफ डीन बना सकते हैं जो नेचर में अवेलेबल नहीं है. तो फर्दर ये कि ये जो फंडामेंटल चेंजेस हैं आप हमारी सोसाइटी में हो रही है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही नतीजा है. अब अगर रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने हैं या रिकम्बिनेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो पाथवे है वो बेसिकली क्या फॉलो होता है, क्या होता है, सबसे पहले आइसोलेट करेंगे डीएनए को. अब आइसोलेट डीएनए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देके ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को या उसको या डीएनए को आप आइसोलेट कर लें और इसको फर्दर क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया और आपने एक डीएनए भी लिया हुआ जिसे कट किया गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ. तो ये जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको यहाँ पे लाइगेट कराया है, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर अपना लाइगेट कराया और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इनटू द होस्ट सेल आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया. ये प्लास्मिड इसको आपने इसमें ह्यूमन इंसुलिन को इंट्रोड्यूस करवा के लाइगेट करा के आपने प्लास्मिड पे इंट्रोड्यूस करवा दिया. फिर फर्दर आपने क्या देखा कि ये जो जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल हैं ये डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे मैनी टाइम्स टू फॉर्म अ कलोनी ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. तो ये जिसमें हर एक में क्या होगा, आपका रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल या डीएनए क्लोन होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंजीनियर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रोड्यूसिंग इंसुलिन और आप अपनी फर्दर इंसुलिन को सेपरेट कर लें, प्योरीफाई कर लें और उसको ह्यूमन इंसुलिन के तौर पे इस्तेमाल करें. तो ह्यूमन इंसुलिन एक बड़ा मेजर प्रोडक्ट है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का. फर्दर जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैंने पहले जैसे बताया इसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, मॉलिक्यूल क्लोनिंग भी कहते हैं या जीन क्लोनिंग भी कहते हैं. बेसिकली इसमें आप क्या करेंगे, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिटेबल मटेरियल बनाएंगे जिसमें आप इंसर्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल कर सकते हैं. आपका न्यूक्लिक एसिड आप मॉलिक्यूल आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप मतलब जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है आप उसे लेंगे और उसको आप अपने प्लास्मिड में, बैक्टीरियल प्लास्मिड में, वायरस में या किसी वेक्टर सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवा देंगे. ये इनकॉर्पोरेशन जब होस्ट ऑर्गेनाइज्म में करवाएंगे तो दे डू नॉट नेचुरली अकर बट इन विच दे आर कैपेबल ऑफ कंटिन्यूड प्रोपगेशन. अब ऐसे ही किसी होस्ट में उसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसमें इस कम्बिनेशन की, इस प्लास्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट की का जो कम्बिनेशन है उसकी प्रोपगेशन भी हो सके.
और आप अपना जो टारगेट है उसे अचीव कर सकें. अब डीएनए टू बी इंसर्टेड इनटू द होस्ट बैक्टीरिया मे कम फ्रॉम अ यूकेरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल और मे बी सिंथेसाइज केमिकली. तो ये डीएनए जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये कहीं से भी हो सकता है, यूकेरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, या आप केमिकली भी सिंथेसाइज करते हैं. अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नतीजे में ये जो वेक्टर फॉरेन डीएनए कॉम्प्लेक्स बनता है, कि आप एक जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉरेन डीएनए है और वेक्टर जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं होस्ट डीएनए में, इसको आप बाज़ दफ़ा डीएनए काइमेरा भी कहते हैं. डीएनए काइमेरा इज़ बेसिकली अ टर्म यूज इन जेनेटिक्स. काइमेरा इज़ बेसिकली अ टर्म यूज इन जेनेटिक्स. इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म और टिश्यू डैट कंटेन एसिड टू डिफरेंट सेट्स ऑफ डीएनए मोस्ट ऑफन ओरिजिनेट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ डिफरेंट जायगोट इज टर्म डेस्क डराइव इज टर्म डेस्क काइमेरा. और ये इसको एज अ होल आप डीएनए काइमेरा कहते हैं, जिसमें आप दो डिफरेंट सेट्स ऑफ डीएनए होंगे. जैसे यहाँ पे वेक्टर फॉरेन डीएनए कम्प्लेक्स है और आप इसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं होस्ट डीएनए में, तो आप इसे डीएनए काइमेरा कह देंगे. ये बेसिकली ये टर्म ये है डराइव फ्रॉम द काइमेरा ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी, जिसमें अ फायर ब्रेथिंग मॉन्स्टर था, जिसमें जो इसका एक पार्ट लाइन जैसा था, एक पार्ट गोट जैसा था, एक पार्ट ड्रैगन जैसा था. तो ये डिफरेंट इसके बारे में मिथ है कि ये ग्रीक उससे निकला है, हेड ऑफ अ लाइन, बॉडी ऑफ अ गॉड एंड द टेल ऑफ स्नेक. बेसिकली ये डिफरेंट कम्बिनेशन डिफरेंट सेट्स ऑफ डीएनए को शो कर रहा है और एक काइमेरा की फॉर्म आपको दे रहा है. तो ये एक टर्म होती है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जिसे डीएनए काइमेरा कहा जाता है, जिसमें वेक्टर फॉरेन डीएनए कम्प्लेक्स को देखा जाता है कि और आपको ये डिफरेंट कम्बिनेशंस आगे बना के देता है. तो ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, ये मैन मेड होती हैं. तो बाज़ दफ़ा ये चीज़ें आपके फ़ायदे में भी चली जाती हैं और बाज़ दफ़ा नुकसान में भी चली जाती हैं. तो दिस इज़ लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का मेन पर्पस क्या है कि आपने अपना डिज़ायर प्रोडक्ट बनाना है और आपने इसे ह्यूमन बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना है. तो डीएनए काइमेरा को भी डीएनए काइमेरा जो है डिफरेंट सेट्स ऑफ रिकम्बिनेंट जो डीएनए है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसको डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट हैं उनकी ओवर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि वो हर एक के लिए अवेलेबल हो. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.